नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। खबर रीवा जिले के मनिगमा विधानसभा क्षेत्र के नई गढ़ी की है। भाजपा की विकास यात्रा को कई बार विरोध का सामना करना पड़ा है। रीवा जिले के त्योंथर, सेमरिया, मनिगमा, मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में कई बार लोगों के द्वारा विरोध किया गया। ताजा मामला एक बार फिर मनिगमा विधानसभा क्षेत्र के नई गढ़ी जनपद पंचायत अंतर्गत देवरी गाँव में सामने आया है, जहां विधायक पंचूलाल का महिलाओं ने विरोध किया। दरअसल आजादी के 75 साल बाद भी मरीजों को ले जाने के लिए सड़क तक विधायक मुहैया नहीं करा पाए, जबकि कई बार खुद विधायक रहे और उनकी पत्नी विधानसभा का नेतृत्व कर चुकी हैं। आप बता दें कि लगातार विरोध का दंश झेल रहे विधायक उस समय बौखला गए जब महिलाओं ने अपनी समस्या बताने लगी और रास्ता बंद कर दिया। दरअसल देवरी गांव में आज भी सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके चलते भाजपा के विकास यात्रा को आईना दिखाने का काम यहाँ की महिलाओं ने किया है। यहाँ की महिलाओं में मरीज को चारपाई पर ले जाने के लिए सड़क न होने के चलते आक्रोश देखने को मिला है। आप भी देखिए विरोध और सुनिए स्थानीय लोगों ने किस तरह के गंभीर आरोप विधायक पंचुलाल प्रजापति पर लगाया है। कौन बात कर रहे हैं? कौन बेटा बात कर रहा है? माने जी, कौन माने जी बात कर रहा है? बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे शासन ने हमको हमारे सास ससुर को पलट दिया है, हम इसी तरह के हम चाहते हैं कि हमको गैला दो, पानी दो, हमारे बच्चों को आने जाने का रास्ता मिल जाए। साहब हमको बहुत मिल गया है। आपको प्रधानमंत्री आवास मिला है? घर पे कुछ नहीं मिला है, हमारा राशन कार्ड भी नहीं है, तो हमको आवास कहाँ से मिलेगा? विधायक से आपने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं मिला साहब। विधायक क्या बोले? कुछ नहीं बोले, हमारे लिए कुछ नहीं बोले हैं, हमारे लिए कुछ नहीं बोले हैं। वो लाडली योजना दुनियादारी बता रहे हैं, विधायक आपके नहीं सुने? कुछ नहीं सुने। हम हाथ जोड़ के ठड़ा भाई कि हमारा बिनती सुन लीजिए, आप ही माई बाप बन के आए हैं, हमारा बिनती सुन लीजिए। लेकिन हमारा बिनती नहीं सुनी। साके जी बताइए, जिस तरीके से भाजपा सरकार आपको अपना वोट बैंक मांगती है कि एसटीएससी हमारे वोटर है, इस बार चुनाव फिर आने वाला है, तो क्या करेंगी आप लोग? नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं सुन रहे हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि हमको जैसे जगह दिए हैं हमारे सास ससुर को, वैसे हमको कहीं जो शिवराज सरकार आपको अपनी बहन मानता है और लाडली बहन योजना लागू कर रहे हैं, उस भाई को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको भी यही कहना चाहती हूँ ना, क्या पंचूलाल विधायक चूतिया है, वोट लेके बादिर झोली फैला के आता है, हम लोगों के बादिर सुनने के लिए उसके पास टाइम नहीं रहता। वोट लेके बादिर घोड़े गिरी वोट पर जाती साहब हरा तो क्या नहीं सुनते हमारे पचे। के गांव में आपने समस्याएं बताई? बताई, बता रही हूँ, हमको गैला नहीं है, हमारा राशन कार्ड भी नहीं है, कुछ नहीं सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे। बैठे हुए हैं आप, बात करिए, आइए 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 सब लोग। रोड नहीं है, हमारे बच्चे तकलीफ होते हैं, हम उनको कैसे ले जाएं? हमको यही बहुत बड़ी आवश्यकता है, पानी को बहुत परेशानी है, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, हम लोग वोट डालते हैं हर एक सरपंच और लोकसभा विधायक जी बैठे हुए हैं। हम उन्हीं से विनती हमारी है,
हमारा भी प्रशासन सुने, शासन भी सुने, प्रशासन भी सुने। उन्होंने क्या कहा अभी जैसे आप सवाल किए तो क्या कहे? सब ठीक बोले हैं, लेकिन हमारे देवरी सगरान प्लाट पर कुछ नहीं बोले हैं कि इनको रास्ता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हाँ, पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं। हम लोग को चल के मौका कर लेना चाहिए ना, मौका इनको करना चाहिए। 5 साल में कितने बार आपके यहाँ देवरी पंचायत में आए हैं? कोई नहीं आए, कभी नहीं आए हैं। हम लोग पहली बार देख रहे हैं, हम लोग पहली बार देख रहे हैं। हमारे गांव में कोई नहीं आता। समस्या है, हमारा समस्या ये है कि अब हमारा घर में पन्नी छाए हुए हैं, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम गरीब आदमी हैं। 2016-17 की सूची में हमारा भी नाम था, पूर्व सरपंच मोतीलाल थे, लेकिन हमको भी आवास नहीं दिया गया। तो हम गरीब मरीज आदमी हैं, तो इसलिए हम नहीं छा पाते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि पन्नी में छाया हूँ। आज विधायक जी आए थे तो क्या समस्या आपकी नहीं सुनी गई? विधायक जी नहीं सुने गए, उठ के भाग गए हैं। भाग गए? जब आप लोग पूछ रहे थे तो क्या बोले? कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, सीधे गाड़ी में बैठे भाग गए। हाँ, अपना भाषण दे के भाग गए।